हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव है और आज का वीडियो जियो फाइबर टू द होम ब्रॉडबैंड के बारे में है। आई एम श्योर आप सभी उत्सुक होंगे जियो फाइबर टू द होम ब्रॉडबैंड के फीचर्स, प्लान्स और खास करके उसकी स्पीड के बारे में जानने के लिए। तो आप सबकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए आज मैं खास ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, देखते रहिए। जियो की ब्रॉडबैंड सर्विस एक फाइबर टू द होम ब्रॉडबैंड सर्विस है। इसका मतलब यह है कि रिलायंस जियो आपके घर तक एक फाइबर ऑप्टिक केबल डालेगा। इस फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू आपके घर को ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। जियो ब्रॉडबैंड की स्पीड वह 100 Mbps से 1 Gbps हो सकती है, पर आज जो मैं आपको कनेक्शन दिखाने जा रहा हूँ उसकी स्पीड 100 Mbps है। जियो ब्रॉडबैंड किट में मिलेगा आपको एक फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड जो फाइबर ऑप्टिक केबल को कनेक्ट करेगा राउटर के साथ, एक पावर अडैप्टर और एक राउटर। राउटर के बारे में बात करें तो राउटर में रहेगा एक फाइबर ऑप्टिक इनपुट पोर्ट, 4 100 Mbps लैन पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट जिसपे आप पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगा के आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं। इसके सिवाय राउटर पे पावर बटन और 2 फोन पोर्ट्स भी हैं। फोन पोर्ट्स VoIP लैंडलाइन के लिए यूज कर सकते हैं, पर अभी ये सर्विस डिसेबल्ड है। राउटर में ड्यूअल बैंड वाईफाई भी है जिसकी कवरेज काफी अच्छी है। राउटर के आगे की साइड स्टेटस LEDs रहेंगी जो आपको इंटरनेट और लैन पोर्ट्स का स्टेटस बताएगी। चलिए तो अभी स्पीड टेस्ट करते हैं और देखते हैं जियो ब्रॉडबैंड का परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे पहले SpeedTest.net पे स्पीड टेस्ट करते हैं। इसमें मैंने सर्वर सिलेक्ट किया है मुंबई का वोडाफोन सर्वर। जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड है 95 Mbps और अपलोड स्पीड है 87 Mbps। नेक्स्ट हम fast.com पे स्पीड चेक करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डाउनलोड स्पीड 96 Mbps मिल रही है। आगे हम YouTube पे फुल HD वीडियो प्ले करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि YouTube वीडियोस फुल HD में बिना बफरिंग के प्ले होना स्टार्ट होते हैं। अभी बात करते हैं डाउनलोड स्पीड्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर रहा हूँ और मुझे कंसिस्टेंटली 10 Mbps की स्पीड मिल रही है। प्लान्स के बारे में बात करें तो मैं जियो का टेस्ट सिल्वर प्लान यूज कर रहा हूँ। इस प्लान के अंडर यूजर को 100 GB पर मंथ का कोटा मिलता है। 100 GB खत्म होने पे यूजर की स्पीड 1 Mbps हो जाती है। इसके सिवाय 40 GB के टॉपअप प्लान्स भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जियो ब्रॉडबैंड की स्पीड काफी अच्छी और कंसिस्टेंट है। जब भी जियो ब्रॉडबैंड मार्केट में कमर्शियली लॉन्च होगा तो बाकी ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स को कड़ी टक्कर देगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरी चैनल को। अगर आपको जियो ब्रॉडबैंड के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।